सत्तारूढ़ दल के अंदर नीतियों के बजाय अनीति की बात चलती है, जब सत्ता में बैठे लोगों पर बड़ी बड़ी एजेंसियां प्रमाणित करती है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक के अंदर ही लिप्त रहे, जब किसी पार्टी के मुखिया जो पार्टी की अगुवाई करते हैं उन पर सवालिया निशान आ जाता है, तो लोग, समझदार लोग, ईमानदार लोग पार्टी से अलग होते हैं। आज उसका परिणाम है कि दशकों तक जो पार्टी की पहचान बने वो कांग्रेस के लोग आज पार्टी से विमुख होकर भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आए हैं। ये बदलाव की बात है, ये आने वाला तूफान की बात है। लक्ष्मणगढ़ जहाँ से पीसीसी चीफ खुद लड़ रहे हैं, उनके ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके ओएसडी रहे सांवरमल मेहरिया पार्टी छोड़ रहे हैं, ये सिद्ध कर रहा है कि इन बड़े नेताओं की जड़ें खोखली हो चुकी है, इनका भी जीतना मुश्किल। कल 5 गारंटियों की घोषणा की, ईडी को लेकर बयान दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री जी उस समय गारंटियाँ दे रहे हैं जब चिड़िया पूरा खेत चुक गई है, सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया, और अब इस प्रकार की गारंटी लोक लुभावनी बातों में आने वाले नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट साफ कहता है कि कोई भी सरकार अब किसी प्रकार की लोक लुभावनी योजना जिसमें बजट का प्रावधान हो वो नहीं कर सकती, उसके बाद बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इनकी शिकायत भी चुनाव आयोग में करेंगे, हमने पहले भी की है। राजस्थान के मुख्य सचिव जिनकी सेवा का कार्यकाल समाप्त हो गया, एक्सटेंशन पर है, उनकी अगुवाई में जिस प्रकार अधिकारियों का सरकारीकरण हुआ है ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है, पर इनको भी सावचेत कर रहे हैं अपने नीतियों पर और अपनी जो इनका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है सेवाओं को, उससे भटके नहीं वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।